एक समय की बात है। एक गुरु और शिष्य घने जंगल के रास्ते से अपने आश्रम जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था, तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, आज अंधेरा काफी हो चुका है और ये जंगल खतरों से खाली नहीं। क्यों ना आज रात आसपास के गांव में विश्राम करें? हाँ बस, यही उचित होगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक कुटिया में रोशनी जलते हुए दिखाई दिया और वो दोनों उस कुटिया की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब जैसे ही वो वहां पहुंचे, शिष्य ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक गरीब आदमी दरवाजा खोल के बाहर आया। बस, हम अपने आश्रम जा रहे थे, आज अंधेरा काफी हो चुका है। क्या आज रात हम तुम्हारी इस कुटीर में विश्राम लेकर कल सुबह अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं? आप दोनों की आने से मैं धन्य हो गया। आइए, अंदर आइए। और वो दोनों अंदर गए। गुरुजी ने देखा वो आदमी बहुत ही गरीब था। गुरुजी ने उससे पूछा, हे बत, तुम क्या करते हो? गुरुजी, मेरे पास एक जमीन है। लोग कहते हैं कि वो एक बंजर जमीन है, उसमें कभी कोई फसल नहीं उग सकता। तो तुम अपने गुजारा कैसे करते हो? मेरे पास एक भैंस है, उसके दूध बेचकर मैं अपना दिन चलाता हूँ। गुरुजी को सारी बात समझ में आ गया और वो दोनों जाके सो गए। अगली सुबह होने से पहले ही गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हम इसकी भैंस को अपने आश्रम ले जाते हैं। शिष्य ने कहा, जिस आदमी ने हमें विश्राम के लिए जगा दिया, उसी की भैंस चुराना क्या ही उचित है? उचित अनुचित की बातें तुम मुझ पर छोड़ दो बस, और इसे अपने आश्रम ले चलो। और वो दोनों उस भैंस को लेके अपने आश्रम चला गया। पर शिष्य को ये अच्छा नहीं लगा और वो ये चीज भूल ही नहीं पाया। ऐसे ही 10 साल बीत गए। गुरुजी भी अब नहीं रहा। अब शिष्य भी बड़ा हो चुका था। वो निर्णय लिया, क्यों ना मैं उस गांव में जाकर उस आदमी को एक बार देख आऊं। उस गांव में पहुंचने के बाद वो देखा वो आदमी अब बहुत अमीर हो चुका था। उससे जाके वो पूछा, क्या आप मुझे पहचान सकते हो? मैं 10 साल पहले अपने गुरुजी के साथ आपके घर आए थे। हाँ, मैं फिर से आपको देखकर धन्य हो गया। जिस रात आप दोनों मेरे घर आए थे, उसकी अगली सुबह मैं उठ के देखा आप दोनों जा चुके थे और मेरी भैंस भी कहीं भाग गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अपना गुजारे के लिए मैं वो बंजर जमीन पर ही दिन रात मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसमें भी अच्छी फसल उगने लगी। और उसी पैसों से मैं एक के बाद एक जमीन खरीदने लगा और उसमें मेहनत करने लगा। उस वजह से मैं आज ऐसा बन पाया हूँ। शिष्य को सारी बात समझ में आ गया था कि क्यों उसके गुरुजी इस आदमी की भैंस उससे छीन के ले गया था। उसे यह समझ में आ चुका था कि कोई भी इंसान अपने आलसी और आराम की जिंदगी छोड़कर मेहनत करने से ही जिंदगी में सफल हो सकता है। Please subscribe to this channel for more videos. Thank you.